एआईएमएम पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दिया है दोस्तों, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। एआईएमएम ने पहली लिस्ट जो है वो कल ही जारी कर दी थी और उसके अंदर 9 उम्मीदवारों को जो है डिक्लेयर किया था, जबकि दूसरी लिस्ट आज जारी हुआ है दोस्तों। और देखते हैं कौन कौन है। तो मैं आपको बता दूँ, पहला गाज़ियाबाद के साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा, जी हाँ, इनको उम्मीदवार बनाया गया है साहिबाबाद से। इसके अलावा मुजफ्फरनगर सदर से इंतज़ार अंसारी साहब को जो है टिकट मिला है एएमएम की पार्टी की तरफ से। मुजफ्फरनगर से एक और ताहिर अंसारी साहब को टिकट मिला है छतरवाल विधानसभा से। फारुकाबाद से अगर भोजपुर की अगर बात की जाए तो तालिब सिद्दीकी साहब को जो है वो टिकट मिला है। इसी तरीके से झांसी सदर से जो है वो सादिक अली को टिकट दिया गया है। बलरामपुर से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को टिकट दिया गया, जैसा कि पहले से पता था, उतरौला विधानसभा से। इसी तरीके से बरेली की अगर बात की जाए तो तौफीक प्रधान को जो है वो टिकट दिया गया है। अयोध्या की अगर बात की जाए, रुदौली विधानसभा से जो है वो शेर अफगान को जो है वो टिकट मिला है दोस्तों। ये एक अपडेट है दोस्तों जो कि मुझे देना था। और इस तरीके से कल 9 और आज 8, यानी कि 17 उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है ऑफिशियली। इसके अलावा कुछ जो नाम है, जैसे कि शौकत अली साहब, उनका हो चुका है। इसी तरीके से सैयद आसिफ वकार साहब, उनका भी जो है वो घोषणा हो चुका है। तो ये एक अपडेट था जो कि मुझे देना था। उम्मीद है ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा ज़रूर। और आप क्या कहते हैं, अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, लव यू।